बीजेपी गवर्नमेंट जैसा वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं कि उनके खिलाफ बीजेपी नहीं आना, बीजेपी हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराते हैं, बीजेपी पूरा देश को कम्युनल के नाम पे, कौमवाद के नाम पे वो बर्बाद करते हैं और गरीब लोगों के पेट में कि चूरी डालते हैं, गरीब लोगों का जिंदगी बर्बाद करते हैं। इसीलिए लोग जो कामकाज लोग हैं, जो काम करके खाने वाले लोग हैं, जो तबके हुए लोग हैं कि वो लोग आपको चुन के लाए हैं। कहाँ है सिद्धरामैया, कहाँ है कांग्रेस गवर्नमेंट का सभी मिनिस्टर्स? जब इलेक्शन आए तब हमारे पूरे लोग कम्युनलिज्म के खिलाफ, बीजेपी का जो गरीबों का खिलाफ का उनका एजेंडा है वो विरोध करके कांग्रेस को लाए हैं। मगर आज हमारे गरीब लोगों का हालत क्या हो गया है आप देख रहे हैं, आज पूरा बारिश है, 3 दिन से बारिश है। इतना बारिश में हर जिला से, 14 जिला से लोग इधर आकर बैठे हैं कि सभी मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं? मिनिस्टर्स को इतना भी फुर्सत नहीं है कि उनका ही गवर्नमेंट के ऊपर एक के बाद एक कुछ ना कुछ मुसीबत आ रहे हैं कि उन्हें बचा लेने का, उनका सत्ता, उनका खुर्ची बचा लेने में वो लोग मग्न हो गया है। मगर उनको वोट डाले सो लोग, उनका हालत क्या है, उनका जिंदगी क्या है, कभी सोचे है क्या? पूरा कर्नाटक में जो भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज है, जो भी हॉस्टल वर्कर्स ले लो, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर, पौर कार्मिक और गेस्ट लेक्चर, गेस्ट टीचर्स, जहां भी काम करने वाले लोग हैं कि उनका नौकरी अभद्र है, उन्होंने आउटसोर्स है या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है या उनका कुछ भी, उनको कूली जैसा, डेली वेज जैसा है, मगर आप लोग इतना भी छोटा काम नहीं कर सकते क्या? आपका दृष्टिकोण नहीं है। सिद्धरामैया का जो गवर्नमेंट है, लोग इतना विश्वास रखे थे कि गरीब लोगों को, दलित दमनित लोगों को इन्होंने बचाते हैं, मगर आज क्या हुआ देखो, पूरे लोग आकर यहाँ बैठे हैं, उनका एक एक का अगर कहानी सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए इनका डिमांड्स है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम निकालो, मगर नहीं निकालते ये लोग, मुझे मालूम है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रहा तो इसके अंदर का पूरा पैसा इन लोग बांट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम निकाले तो इनका खाने का चले जाता है, इसीलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रखना चाहते हैं। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं और हमने आग्रह करते हैं, निकालो एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, परमानेंट करो। जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं है परमानेंट करने के लिए, तो आप तब तक महीने में 31,000 उनको, जो लीगली उनका डिमांड है, लीगली उनका क्लेम है, 31,000 महीने में सभी हमारे एम्प्लॉयज को दे दो। ये आज और सारे डिमांड्स इनके साथ साथ है, उस सभी डिमांड रख के ये जो सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर है और जो सिद्धरामैया जी है, उनके जो भी कैबिनेट का मिनिस्टर से, ये लोगों का, हमारे हॉस्टल वर्कर्स यूनियन का, लोगों का समस्या रख के उन्हें मीटिंग बुलाना, उनका समस्या हल करना, नहीं तो उनका जो बेस है ना, सेक्युलरिज्म का बेस, वो उन्होंने खो जाते हैं। उनका ये चेतावनी है, हर दिन कर्नाटक के रास्ते के ऊपर लोग आ रहे हैं। आप लोग का इतना भी दिमाग नहीं है, इतना भी आपका दिल नहीं है कि उनका समस्या सुन के हल करने के लिए भी आपके दिमाग में नहीं आ रहे। मगर समझ लो, लोग का आंदोलन, जन आंदोलन भड़क के अगर रोड के ऊपर आया तो आपको सबक सिखाते हैं, जागृत रहो। ये लोगों का चेतावनी है, हॉस्टल वर्कर्स यूनियन का प्रॉब्लम सॉल्व करो। ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕೊಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, 7 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಸಂದರ್ಭದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ। आज उत्तर कर्नाटक के
हॉस्टल वर्कर्स यूनियंस गुलबर्गा डिवीजन हेडक्वार्टर को आए हैं कि उनके डिमांड है कि कई महीनों से उनका पेमेंट नहीं हुआ, उनके लिए सेवा भद्रते नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट का जो लेबर्स है, जो परमानेंट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के स्थान में उनका वर्क करते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। और उनके लिए जो भी फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रद्द नहीं करना है तो हमारे पूरा हॉस्टल वर्कर्स को आप एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं। देखो आज क्या हुआ, एक तरफ गवर्नमेंट हॉस्टल वर्कर्स को परमानेंट नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को अपॉइंटमेंट किया है उनका कुछ भी भद्रता नहीं है, मगर इसके साथ साथ ये कांग्रेस का जो गवर्नमेंट है कर्नाटक में, ये कांग्रेस का गवर्नमेंट की मशीन इंट्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, आप मशीन तो लाए हैं, जहाँ रोटी बनाने के लिए लोग नहीं है, ज्यादा खाना खाते हैं रोटी, यहाँ का खाने का मेन है रोटी, तो हम मशीन भेज रहे हैं ना, तो कहाँ मशीन काम कर किया है, कहाँ चपाती और रोटी बना के हमारे बच्चों को लोगों को खिलाए है, कहीं तो है, वैसा नहीं है। ये उत्तर कर्नाटक जिले 14 जिले नम रोटी तिम्म प्रदेश का सरकार बहुत दुड अनाहुत सिब्बंदी कड़ित मूलक यंत्र अंत सवि कोटि रूपये हगरण माँ रोटी मशीन को इडी 14 जिले कड़ी कूड़ा मशीन रोटी चपाती मकुल ऊट माँ आज इवर दुड हटी इडी सिब्बंदी कड़ित मैार मशीन को प्रति हास्टलू वब्री सिब्बंदी कड़ित मैार हिंग अली रोटी चपाती भाला हेण्मू अनारोग्यल बु दवाखानी होल टाइम अस्टू हरेसमेंट सरकार अल कनिष्ठ वेतन को मान्य कार्मिक मंत्री लाडोर बेलगाम अधिवेशन इलीवरेगू कूड़ा मत पुनः अधिवेशन बनु अब जारी कनिष्ठ 31,000 वेतन कोंतीवंतार अब कूड़े जारी अंत होराटक अल इवत मैन पवर् एजेन्सी भाला अन्याय दौर्जन्यूल नड़ीता है सर वेतन बरता अंत गुलबर्गदू नूरार सल होराटे आजेन्सी नीति खंडी आव सरकार एजेन्सी रद्दीवे इलीवरे रद्द बीदर मादरियल इडी एला राज्य जिले कूड़ा वेतन कोता अब आ सरकार ओपे जिले ट्रयल नोड़ता ट्रयल ऐनमती आलरे कड़े 12 वर्ष बीदर नड़दे अब ट्रयल प्रश्न अली नौकरी अन्याय आगो अदी बीदर मादरियल एला नौकरी वेतन को हॉस्टल होरगुत्ति नौकरी सेवा भद्रते कोवे भद्रते 16 वर्ष केस स्थल नौकर स्थल यारो खायम नौकर बंदन आवते होगाबिड़ता अदी खायम नौकर एलिता और जगदी वर्गणे अब होरगुत्ति नौकर जगद खायम नौकर वर्गवणे मोदन कूड़ा रद्द होराटक ಎಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ದುಡಿಸ್ಕೊಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಏನದಲ್ಲ ದಿನ 16 ತಾಸನ್ನು ದುಡಿಲತ್ತಿದೆವು ಕನಿಕರೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಕರೇ ಇಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಿಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 7-8 ತಿಂಗಳಿನ ವೇತನ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣನು 3-4 ತಿಂಗಳದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿ ನೌಕರರನ್ನು ಗೋಳಾಡಿಸ್ತಾರೆ ದುಡಿದಿದ್ದು ತಾವು ಕೂಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುದ್ದಾಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹಗರಣಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಬಿದ್ದದ ಆ ಸರಮಾಲೆದಾಗ ಒಯ್ದು ನಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಗರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೋ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ 31,000 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಜೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿದಾಗೆ 5 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದರಾಗೆ 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ 4 ಜನ 5 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು 3 ಜನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ರಜಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಡೆಯಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ರಜಾ ಕೊಡ್ಲಿ ಇವರ ಮಾನವತೆ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಜಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್ಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾರಣ ಎಚ್ಚರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಾಗಲಿ ಯಾರು ಈ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿನೇ ಇವರು ದುಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಮಹಾರಾಜ ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬಿಡಬೇಕು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ।